नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। मणिपुर ट्राइबल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय सेना की सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। फोरम ने गुरुवार को मणिपुर में हाल ही में भड़की हिंसा के मामले में सर्वोच्च अदालत से कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से झूठे आश्वासन दिए गए हैं। फोरम की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि मणिपुर की जनजातियों को राज्य सरकार और उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं है। फोरम ने हिंसा प्रभावित इलाके चुराचंदपुर, चंदेल, कांगपोखपी, इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में कानून व्यवस्था में सुधार और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय सेना के जवानों की तैनाती की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रधान मलकीत सिंह की अगुवाई में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने MSP जितने दाम पर सूरजमुखी की फसल खरीदने जाने पर सरकार को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही किसानों ने बनने वाले रिंग रोड में अधिग्रहित किसानों की जमीन का बकाया पेमेंट दिलवाने की अनिल विज से मांग की। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल किया है। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद 15 जून तक अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 15 जून तक बृजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा। अब इस मामले पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम पहले देखेंगे कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हैं या नहीं, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले राजकीय दौरे को लेकर अमेरिका में उत्साह है। उनके दौरे से पहले कई अमेरिकी सांसदों ने भारत को चीन के मुकाबले भविष्य का बेहतर साझेदार बताया। रिपब्लिकन सांसद रिचर्ड मैकॉर्मैक ने कहा कि आज उत्पादन के क्षेत्र में भारत के पास चीन जैसी क्षमताएं हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने RBI के पूर्व गवर्नर पर रिसर्च में झूठे आंकड़ों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को बार बार अपराधी करार देते हुए बताया कि उन्होंने मोबाइल फोन बनाने के लिए प्रोडक्शन से जुड़ी PLI स्कीम की बार बार आलोचना की है। फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की तारीख बढ़ गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार कार्ड में फ्री डिटेल्स अपडेट कराने की तारीख को 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 तक कर दी है। UIDAI के इस फैसले के बाद अब अगले 3 महीने तक आधार डिटेल्स को फ्री में अपडेट किया जा सकता है, यानी आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस से जुड़े दस्तावेजों को 14 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन अपडेट और अपलोड करा सकते हैं। बिहार और झारखंड में वंदे भारत का बेसब्री से इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अब खुशखबरी आ चुकी है। 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी पटना रांची वंदे भारत ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। बता दें कि इसमें सामान्य चेयर कार का किराया 890 होगा, जबकि इकोनॉमी बोगी में सफर करने पर यात्रियों को 1760 रुपये चुकाने होंगे। इसमें बड़ी बात यह है कि कैटरिंग की सुविधा लेने पर अलग से पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि किराए में कैटरिंग चार्ज नहीं जोड़ा गया है। विश्वविख्यात माता वैष्णो देवी के भक्तों को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बड़ा उपहार दिया है। बता दें कि मां वैष्णो देवी के भक्तों को अब DTDC कुरियर सर्विस के माध्यम से प्रसाद को उनके घरों तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सलाह पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रसाद की डिलीवरी में जल्दी के लिए कुरियर सर्विस DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की जगह तांबे की परत चढ़ाने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग उठाई है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। त्रिवेदी कह रहे हैं कि मामले में 1.5 अरब का घोटाला हुआ है, इसकी जांच न होने पर वह आंदोलन करेंगे। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह का कहना है कि वीडियो के माध्यम प्रसारित जानकारी भ्रामक और जनभावनाओं को आहत करने वाली है। देश में सड़कों पर अक्सर लंबा जाम गलत तरीके से पार्क होने वाले वाहनों के कारण लग जाता है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खास तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान पिछले दिनों कहा था कि यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करता है तो उसकी तस्वीर भेजने वाले को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस कानून को जल्द अमल में लाया जा सकता है। गडकरी ने यह भी बताया था कि इस नियम के लागू होने के बाद शहरों में लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि गलत तरीके से व्हीकल पार्क करने वाले से इस गलती के लिए 1,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इस साल योग दिवस पर कुछ खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करने वाले हैं। दरअसल इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग सत्र का आयोजन
आयोजन किया जाएगा। दुनिया भर में योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। बिहार के किसान अब एरोपोनिक तकनीक से आलू की खेती करेंगे। इससे आलू का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। खास बात यह है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन में सफलता मिली है। वह पिछले काफ़ी समय से एरोपोनिक तकनीक के ऊपर परीक्षण कर रहे थे, जो सफल रहा। अब विश्वविद्यालय में एरोपोनिक तकनीक से आलू के बीज तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही आलू के ये बीज खेती करने के लिए किसानों को दिए जाएंगे। बिहार के सबसे छोटे जिलों में से एक शेखपुरा में मेहुस नाम का गाँव है। यहाँ पिछले महीने शिव मंदिर से सार्वजनिक तालाब की खुदाई चल रही थी। यह खुदाई पूरी हो जाती तो वह गांव के पास 20 एकड़ का अपना तालाब होता, मगर 11 मई 2023 को यहाँ से 3 दुर्लभ मूर्तियाँ निकली, यह सूर्य की और 2 विष्णु की। गांव में हर्ष छा गया और खुदाई छोड़कर लोग मंदिर निर्माण में जुट गए, मगर पुरातत्व विभाग वालों ने मीडिया में बयान दे दिया कि मूर्तियाँ गाँव में असुरक्षित हैं, इन्हें संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। तमिलनाडु के ऑस्ट्रेलियन सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद से केंद्र सरकार और डीएमके के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच तमिलनाडु के मंत्री के पोनू मुडी ने गुरुवार को राज्यपाल आर एन रवि को निशाना पर ले लिया है। डीएमके सरकार की ओर से तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को सेंथिल बालाजी के मंत्रालयों का प्रभार किसी अन्य को देने के लिए फाइल भेजी गई थी, जिसे उन्होंने लौटा दिया था। स्टालिन सरकार के मंत्री पोनू मुडी ने राज्यपाल आर एन रवि पर हमला करते हुए उनसे बीजेपी के एजेंट की तरह व्यवहार न करने को कहा है। रेलवे इन दिनों तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसके तरह स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में देश में पहला निजी रेलवे स्टेशन भी खुल चुका है। इस हाईटेक स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद है। देखने में ये किसी 5-स्टार होटल की तरह लगता है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। IRDC के अनुसार इस रेलवे स्टेशन को प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप किया गया है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को राज्य के विकास के लिए एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, लेकिन केंद्रीय बलों पर कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भाजपा पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। ऐसे में तमिलनाडु बुधवार को CBI से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नया राज्य बन गया है। इसका मतलब यह है कि अब केंद्रीय एजेंसी को अपनी जांच शुरू करने से पहले राज्य की अनुमति लेनी होगी। ऐसा फैसला लेने वाला तमिलनाडु देश का 10वां राज्य होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी पर एक बार फिर हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि कहीं उनका भारत की ओर से दबाव डालने वाला बयान अमेरिकी चुनावी मौसम से तो नहीं जुड़ा है। साथ ही FE डिजिटल भारत इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2023 में बोलते हुए मंत्री ने डॉर्सी के आरोपों को एक बार फिर सफेद झूठ बताया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रियल एस्टेट ग्रुप M3M के डायरेक्टर बसंत बंसल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी बसंत बंसल के भाई रियल एस्टेट कारोबारी रूप कुमार बंसल को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। दोनों भाइयों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एजेंसी को M3M ग्रुप और IREO ग्रुप द्वारा 400 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है। ईडी ने हाल ही में IREO ग्रुप और M3M ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल दिया है। अब इसका नया नाम PM म्यूजियम एंड सोसाइटी रखा गया है। कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश को केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाया है और इसे प्रतिशोध बताया है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के लोग महंगाई की दरों का झूठ फैला रहे हैं कि WPI नेगेटिव हो गया, CPI भी कम हो गया, महंगाई से देश को राहत मिल गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक भी एसेंशियल कमोडिटी के दाम में कोई कमी नहीं आई। फल सब्जी अनाज के दाम कम नहीं हुए, ना ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। NHAI के द्वारा जनता को एक के बाद एक एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे दिए जा रहे हैं, जिससे लोग आरामदायक और जल्द से जल्द सफर को पूरा कर सके। सरकार जल्द ही 3 राज्यों और हरियाणा के 8 जिलों को जोड़ता 333 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 152D को जनता को समर्पित करने जा रही है, जिसकी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की US विजिट से पहले की खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। PM मोदी के US में पहुंचने से पहले $1 बिलियन का रिटर्न गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में अमेरिकी चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने $1 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है, जो कि आने वाले दिनों में $2 बिलियन तक पहुंच सकता है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भरोसा दिखाना शुरू किया है।
भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गुरुवार को राज्य सरकार पर हमला बोला है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड समेत बिहार और बंगाल भले ही विरोध करें, लेकिन भाजपा NRC के लिए प्रतिबद्ध है। आपने दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों, बड़े शहरों या हाईटेक शहरों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको दुनिया के सबसे बड़े और भूमिगत शहर की जानकारी थी, जिसकी खोज अभी हाल ही में तुर्की में हुई है। ये इतना विशाल और खुशहाल शहर था जहां करीब 20,000 लोग एक साथ बड़े आराम से रहते थे। बताया जा रहा है कि धरती के नीचे दबे इस सदियों पुराने भूमिगत शहर में करीब 200 से ज्यादा कस्बे थे। द सन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के कप्पाडोसिया में डेरिन कुयू नाम की सुरंग मिली है। NCERT की किताबों में हुए संशोधन के बाद इसे लेकर हो रहे विवाद को UGC अध्यक्ष ने अनुचित बताया। गौरतलब है कि हाल ही में NCERT ने अपनी कई किताबों में संशोधन किया था, जिसके बाद कई शिक्षाविदों ने इसका विरोध जताते हुए NCERT की किताबों से अपना नाम सलाहकार के तौर पर हटाने की भी मांग की थी। UGC अध्यक्ष M. जगदीश कुमार का कहना है कि यह विवाद बेवजह खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर पहले भी किताबों में संशोधन होता आया है। NCERT की ओर से किताबों का रेशनलाइजेशन किया जाना पूरी तरह से उचित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर सरकार के प्रदूषण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर चिंता जताने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजन ने शोध पत्र लिखने के लिए झूठे आंकड़े, संदिग्ध विश्लेषण और अज्ञात उद्योग विशेषज्ञों की सलाह का इस्तेमाल किया। एक शोध पत्र क्या भारत वास्तव में एक मोबाइल विनिर्माण दिग्गज बन गया है? राजन ने सरकार की PLI योजना के साथ साथ भारत के बढ़ते मोबाइल फोन निर्यात पर चिंता जताई। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड क्लेम और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर काबू पाने के लिए रेगुलेशंस और सख्त बनाने पर फैसला हो सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से मिली। हालांकि काउंसिल के सीमेंट पर गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स को घटाने के मुद्दे पर चर्चा नहीं करने की उम्मीद है। सीमेंट पर GST मौजूदा समय में 28% है, जो सबसे ज्यादा रेट स्लैब है। असम कैबिनेट ने नीट UG पास करने वाले NRI या NRI प्रायोजित छात्रों के लिए MBBS की कुल सीटों में 10% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है। 15% अखिल भारतीय कोटा, सेंट्रल पूल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कोटा, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान कोटा सीटों की कटौती के बाद सीटें सालाना आरक्षित होंगी। OBC MOBC कैटेगरी के 6 समुदायों के लिए आरक्षण में भी बढ़ोतरी होगी। चाय बागानों या पूर्व चाय बागान समुदायों या जनजातियों के बच्चों के लिए प्रत्येक में 3 सीटों की वृद्धि होगी, जिनमें से 22 ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए और 8 बारू घाटी के लिए होंगी। इसमें मोरन, मटक, ताई, अहोम, चूटिया, कोट, राजवंशी शामिल है। आदि पुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में लग गई है। इसका प्रमोशन भी खूब हुआ है। मार्केटिंग के अलग अलग फंडे अपनाया गया है। जब फिल्म का ट्रीजर आया था तो रावण के लुक पर लोगों को आपत्ति थी। राम और हनुमान को चमड़ा पहनाने का विरोध हुआ था। सीता हरण वाले सीन पर भी कई आपत्तियां आई, पर ये सब भारत में हो रहा था। 15 जून को मामला नेपाल तक पहुंच गया है। ऐसी नौबत तक आ गई कि फिल्म वहां रिलीज ना हो, ये सब हो रहा है। एक डायलॉग और माँ सीता के जन्म स्थान को लेकर इसके बाद मेकर्स को फिल्म में सुधार करना पड़ा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, मनोज कुमार, विजय राय, मोहम्मद शाकिर हुसैन, अमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आदि पुरुष फिल्म में कई सीन को लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई जा रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।